भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह की शुरुआत शनिवार की सुबह पारंपरिक ढंग से हुई। यहां हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरी कथा, मिलाद, चादर पोशी और कव्वाली गायन हुआ। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में पिछले 95 वर्ष से आयोजित हो रहे तानसेन समारोह में ब्रह्मनाद के शीर्षस्थ साधक तानसेन समाधि परिसर में गान मनीषी तानसेन को स्वरांजलि अर्पित करने आए हैं। इस बार तानसेन अलंकरण प्रख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया जाएगा। तानसेन समाधि स्थल पर परंपरागत ढंग से उस्ताद मजीद खां एवं साथियों ने राग बेरागी से शहनाई वादन किया। इसके बाद ढोली पुआ महाराज नाथपंथी संत श्री सच्चिदानंद नाथ ने संगीतमय आध्यात्मिक प्रवचन देते हुए ईश्वर और मनुष्य के रिश्ते को उजागर किया। उनके प्रवचन का सार था कि परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अल्लाह और ईश्वर, राम और रहीम, कृष्ण और कबीर, खुदा और देव सब एक हैं। हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है। हम सब ईश्वर की संतान हैं तथा ईश्वर के अंश भी हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ा और व्रत मुल्ला और पंडित, ख्वाजा और आचार्य के उद्देश्य व मत एक ही हैं कि सभी नेकी के मार्ग पर चले। ढोली बुआ महाराज द्वारा राग शुद्ध सारंग में प्रस्तुत भजन के बोल थे, एक दिन आना एक दिन जाना, बीच में सुख दुख झूठ मूठ सपना। उन्होंने प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का गायन भी किया। ढोली बुआ महाराज की हरी कथा के बाद मुस्लिम समुदाय से मौलाना इकबाल लश्कर कादरी ने इस्लामी कायदे के अनुसार मिसाल शरीफ की तकरीर सुनाई। अंत में हजरत मोहम्मद गोस्व तानसेन की मजार पर राज्य सरकार की ओर से सैयद जियाउद्दीन हसन सज्जाद नसीन जी द्वारा परंपरागत ढंग से चादर पोशी की गई। इससे पहले जनाब हुसैन बख्श, अल्लाह रखा और सैफ अली खान और उनके साथी कव्वाली गाते हुए चादर लेकर पहुंचे। कव्वाली के बोल थे, खास दरबार ए मोहम्मद से ये आई चादर। तानसेन समाधि पर परंपरागत ढंग से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना, कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, संभागीय उप आयुक्त राजस्व श्री आर पी भारती और अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वेश्य और एसडीएम श्री प्रदीप सिंह तोमर व श्री अनिल बनवरिया सहित उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकादमी के अधिकारी तथा श्री अभिजीत सुखदाने व श्री राकेश अचल व समेत अन्य कलारसिक गणमान्य नागरिक व मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। राज्य शासन के संस्कृति विभाग एवं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के तत्वाधान में तानसेन समारोह इस बार 26 से 30 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। तानसेन समारोह में कुल 8 संगीत सभाएं होंगी। पहली 7 सभाएं तानसेन समाधि स्थल पर सजेंगी और 8वीं एवं अंतिम संगीत सभा 30 दिसंबर को प्रातः तानसेन की जन्मस्थली मुरार जनपद पंचायत के ग्राम बेहट में झिलमिल नदी के पास सजेगी। संभाग से प्रदेश और देश के सभी लोगों के लिए हमारा अनुरोध यही है कि वो इसका आनंद उठाएं और ये ऑनलाइन व्यवस्था भी कोविड को देखते हुए की गई तो अपने घर से भी और जहां से भी चाहें वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? संदेश निश्चित रूप से एक तो ये है कि संगीत सर्वोत्तम है और संगीत में बिना बोले भी बिना सुने भी उसका आनंद उठाया जा सकता है और हिंदू मुस्लिम देखे सारे सर्वधर्म की एकता इसका महत्वपूर्ण आधार है। सर, कोविड के नियमों को ध्यान में? बिल्कुल निश्चित रूप से। परंपरागत तरीके से शुरुआत हुई, हरी कथा मिला, फिर चादर पोशी, ये सारे कार्यक्रम जो तात्कालीन माधव महाराज बड़े थे उन्होंने जो ये कायम किया है वो कुछ सोच के ही किया, क्योंकि सबकी आत्मा तो एक ही है और उस आत्मा को हम कहते हैं आनंद। आत्मानंद तो सबको चाहिए और संगीत में आत्मानंद ही मिलता है, इसलिए संगीत ये आत्म सुख का साधन है और इस सुख के लिए सभी लोग एक तो हरि को भजे सो बड़ा जाति न पूछे तो
तो वहाँ जाति का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो अपना अपना पंथ है। लेकिन जब संगीतकार संगीत सुनाते हैं तो उस्ताद भी सुनाते हैं और पंडित भी सुनाते हैं, सबके राग तो एक ही है। क्या हिस्ट्री है इसकी और क्या ताल्लुक है इस जगह से तानसेन जी का? तानसेन जी का ताल्लुक इसलिए है कि यहाँ तात्कालीन जो माधव महाराज थे वो यहाँ के राजा थे। जब स्टेट वाइज चलता था, अंग्रेजों का शासन था 1912 में, अच्छा यहाँ तानसेन जैसे इतने बड़ी विभूति यहाँ विराजमान है, तो माधव महाराज ने उसकी कीमत यानी उसकी जानी और अपनी राजवट में ये कार्यक्रम चालू किया कि जो संगीत के सम्राट हैं। तो अपने ग्वालियर नगर में, ग्वालियर के शहर में राजा होने के कारण उन्होंने ये कार्यक्रम चालू किया। पहले मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से होता था, नगर पालिका आयोजन करती थी, तो उन्होंने यहाँ सर्वधर्म समभाव रखने के लिए, उनका भी महत्व सबको है, तो तानसेन को सभी मानते हैं, तो कोई जाति विशेष का तो कोई उसमें अधिकार नहीं है और राजा के लिए सब समान है। तो उसने ये संगीत का एक अच्छा वातावरण ये करने के लिए सबको एक सही वार्तालाप और क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया और सर्वधर्म समभाव ये सबको प्रदर्शित किया। उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम भी पहले किया और फिर वॉइस ऑफ राइट के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।